5.5 साल जेल में बाहर रहने के बाद आई फील माई सेल्फ स्ट्रांगर एंड प्राउड ऑफ माई पीपल, प्राउड ऑफ माई कमिटमेंट. आई टेक ए प्लेज एंड ए प्रोमिस दैट आई विल नॉट लेट डाउन माई पीपल. आई टेक ए प्लेज दैट आई विल फाइट मोदीज नरेटिव ऑफ नया कश्मीर विच हैज मिजरेबली फेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. पीपल हैव रिजेक्टेड हिज नरेटिव एंड पीपल हैव रिजेक्टेड, पीपल ऑफ जे एंड के हैव रिजेक्टेड वट एवर ही डिड ऑन 5th August 2019. द वोट टू मी वॉज a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. Aur Modi ji se kehna chahenge, daro mat, darao mat, hum darne wale nahi hai. Ya engineer sahab, badla vote se, badla vote se. एक ही बताइए ना, सॉरी आप ये पहले बताइए आपने कौन, एक तो बताइए पहले इनसे बात. लेडीज फर्स्ट आई थिंक प्लीज. माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट उमर अब्दुल्ला सेज. हिज फाइट इज फॉर द चेयर, माई फाइट इज फॉर द पीपल. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुपकर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. आई हैव नथिंग टू से हिम. पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम ऑलरेडी ऑन 4th of June व्हेन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स. सो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई. आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शियंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहार से, तिहार का नाम ही काफी है. आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोष हुआ माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश घर पहुंची. आई कॉन्ट फॉरगेट डजन ऑफ कश्मीरीज, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्राम सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवाड़ा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. देयर आर डजन ऑफ पीपल, डजन ऑफ इनमेट्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर. मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है. मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ. अरे कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी. हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है. आई विल फाइट मोदी जीज पॉलिसीज टिल माय लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी. और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट वाज बिकॉज इट वाज अ रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 एंड 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करने नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वॉज नॉट इन लव विथ मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो POK की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू. एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रिगार्डिंग कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है. सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस, हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस. इट इज माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहार जेल में जाना पड़े. और फिर जो आपने उमर साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. आई वाज नॉट, अलाउ मी सिंस यू हैड आस्क मी द क्वेश्चन. इट वॉज उमर अब्दुल्ला साहब, जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी, कि काश मुझे पहले पता चला होता मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं. फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट इज विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स. मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स. और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिलाए, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है. लेट हिम टेल, या दैट इज फॉर यू ऑल्सो. इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन इंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स. फिर सारे लोग मेरे साथ हैं, लेट यू डिसाइड. I have taken oath in the constitution, but that doesn't debar me from telling the truth.
Nehru had talked about Kashmir issue. Vajpayee ji had talked about Kashmir issue. Every leader, you have signed agreements in Shumla, in Tashkent, in Agra, everywhere. So how am I a separatist? मैं आपकी चैनलों पे आके डिबेट करता था और आपसे एक शिकायत है, आप तो मुझे भूल ही गए थे, आप तो समझे मर गया इंजीनियर रशीद, लोगों ने आपको भी याद दिलाया, डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रोफेशन. मीडिया के लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई एम वन अमंग यू, आई यूज राइट कॉलम्स, आई यूज कम अटेंड टीवी डिबेट्स, लेकिन शिकवा आपसे भी है, 5.5 साल आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया. इट्स समथिंग अबाउट तिहार, तिहार में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है. त्यौहार की कहानी मैं बता दूंगा, आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी. मैं त्यौहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहां पर, यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, आई यूज इट वर्क देयर इन द लाइब्रेरी. मेरे कोई घटक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी. आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इन्वेस्टर्स डू वर्क. सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन. आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल एंड आई विल डू टिल माई लास्ट ब्रेथ. एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन. माई मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट यूर एनिमीज, यू आर बींग मिसलेड एंड वी आर बींग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर. सर आप कुछ कह रहे हो? इंजीनियर साहब सर, एक बड़ा सवाल है, आपको अलगाववादी का कमरा तो दिया ही जाता है, लेकिन एक अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ जेल से लड़ने लोग आ जाते हैं, बच्चे गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते. बहुत बढ़िया उन्होंने कहा. उमर साहब से इतना कहूंगा कि 5.5 साल क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए? उनके 3 MP यहाँ थे, जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे, जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में, उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले, बट दे डिडंट स्पोक ए वर्ड ऑन इंजीनियर रशीद फॉर 5.5 ईयर्स. नंबर वन, जब उनको यश सर आप तो आना चाहिए, यू आर माई लायर सर, आपकी वजह से क्रेडिट गोज़ टू यू सर, प्लीज सॉरी. तो मेरा मैडम आप भी आए ना, एंड थैंक्स टू माई लीगल टीम स्पेशली. मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में, जो आप उन्होंने कहा जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं. ही शुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ही इज नॉट. उससे ये बता दीजिए आप, वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया. मैं ये कहता हूं कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी. दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर, एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच मैं पर आ जाएगा. सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहां से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहां से हो रही है, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रहे हैं. त्यौहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ. मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज तक टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, जो हर इन्वेट का राइट है. आई हैड नो कॉन्टैक्ट माई फैमिली, आई डोंट वॉन्ट इम्प्रेस तिहार जेल अथॉरिटीज राइट नाउ. उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा. मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से मेरा फोन कट ऑफ किया गया. रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से. आई डोंट वॉन्ट टू डिमोरलाइज माई पीपल, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता. प्लीज सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों? मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पतालों में, वो आप वहां के इनवाइट से पूछ सकते हैं. एनीवे आई विल बी एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यूर्स, और मुझे आपसे बहुत बातें करनी है. कब करनी है? 5:30 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू. हां बताइए, एक अहम सवाल ये है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने दोनों अलायंस कर किया हुआ है. सर, क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम सेकुलर अलायंस है, हम जो है सभी लोगों का अलायंस है. जनाब ये अजीब सवाल है आपका. मेरा उनसे बनता क्या है? दे स्पीक अबाउट ईडी, दे स्पीक अबाउट CBI, बट दे डोंट स्पीक अबाउट UAPA. जिस दिन इंडिया अलायंस के किसी लीडर पर UAPA लगेगा, देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इट. वो एक अलायंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, सेम इज ट्रू विद NDA. मेरा किसी से कुछ भी नहीं. सॉरी, मेरा फार्मूला दुनिया को पर इलेक्शन का अकेले ही चला था. जान बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया. कौन क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवरलास्टिंग पीस ले आना, और ये चीज साबित करना कि कश्मीरी स्टून पेल्टर नहीं है, हम प्रो पीस हैं, लेकिन वी विल नेवर 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 कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर पोलिटिकल. 5.5 सर.